हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Q9 स्मार्ट ब्रेसलेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आप बॉक्स देख सकते हैं, पीछे की तरफ इसके कुछ मेन फीचर्स बताए गए हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, मल्टीपल स्पोर्ट्स को ये सपोर्ट करता है, कॉल अलर्ट्स मिलते हैं इसमें, मैसेज अलर्ट्स मिल जाते हैं आपको, कैमरा रिमोट आपको इसमें मिलता है, अलार्म की फीचर्स है इसमें। इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग का भी फीचर इसमें दिया गया है, स्टॉप वॉच है, IP67 रेटेड है, दोनों ही टाइम फॉर्मेट मिलते हैं आपको 12 आर और 24 आवर्स, एंटी लॉस फीचर है और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेड इन चाइना लिखा गया है, ब्लैक कलर का ये ब्रेसलेट है। इसको हमने बाय किया है gearbest.com से। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ नीचे इसको बताया गया है स्क्रीन साइज की, इसमें आपको मिलता है 1.3 इंचेस का, TFT है 240x240 पिक्सल्स और बैटरी की बात करें तो 180 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है। इसके अलावा सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है और IP67 रेटेड ये स्मार्ट ब्रेसलेट है। तो चलिए इसको फटाफट से ओपन करते हैं। बहुत ही सिंपल पैकिंग है इसकी और ये बॉक्स ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दो स्ट्रैप देखने को मिलते हैं और एक स्मार्ट वॉच। दोस्तों, बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे दो स्ट्रैप और दोनों ही ब्लैक कलर के हैं। पहले स्ट्रैप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा और मैट टाइप का इस पे फिनिशिंग है, ग्लॉसी बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर की तरफ पिन दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको अपने वॉच से लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, मैं इसको बैंड किया लेकिन इस पे किसी भी तरीके का कोई भी निशान नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्ट्रैप की तो दूसरा स्ट्रैप भी सिलिकन का बना हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। ये भी ब्लैक कलर का है, इस पे हल्के से टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, हल्की सी लाइनिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं अपने वॉच की तरफ और अगर हम वॉच की बात करें तो ये वॉच बिल्कुल देखने में एप्पल की वॉच की तरह रिजेंबल करती है या फिर आप कह सकते हैं शाओमी की अमेज फिट बीप जो है उसकी तरह लगती है देखने में। पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे आप देखें आपको एक बटन देखने को मिलता है जो कि एक टच सेंसिटिव बटन है। फिलहाल के लिए इसके हम साइड रखते हैं और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग डॉक जिसमें आप इस वॉच को लगा के चार्ज कर सकते हैं जो कि नॉर्मल USB पोर्ट है। आप यहाँ से इसको बटन को पुश करेंगे, इसको ओपन करने के बाद आप इस वॉच को इसके अंदर रख के दोबारा इसको बंद कर देंगे और आप किसी भी चार्जर या पावर बैंक से इसको चार्ज कर सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है इसको चार्ज होने में, तो काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है इसको चार्ज करने का और आपको बार बार स्ट्रैप निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रैप के साथ भी इसमें इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कंटेंट की अगर बात करें तो बॉक्स में हमें देखने को मिलता है कि यूज़र मैनुअल जो कि काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिया गया है। हमने इसको चाइना से बाय किया था gearbest.com से, इसलिए आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले चाइनीज में लिखा गया है लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप इसको रीड कर सकते हैं, इंग्लिश इसमें दी गई है। आपको बताया गया है कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको रखते हैं और हम देखते हैं इस वॉच के फीचर्स और क्वालिटी को। दोस्तों, स्ट्रैप लगाने के बाद ये वॉच कुछ इस तरीके से दिखती है। आप देख सकते हैं ये वॉच देखने में बिल्कुल शाओमी की अमेज फिट बिप की तरह देखने में लगती है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये वॉच आती है और इसमें आपको देखने को मिलता है कलर डिस्प्ले, सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंट, कैलोरी मीटर, इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग भी इसमें आपको मिलती है और
कॉल अलर्ट्स और मैसेज अलर्ट्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिशनल एप्स के अलर्ट्स भी इसमें आपको मिलेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और काफी सारी अदर एप्स। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट से इसकी ऐप की तरफ। दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है वेयर हेल्थ ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको आपका लॉगिन क्रिएट करना है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो, और आपको आपकी वहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम, आपकी हाइट, आपका वेट और आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप आगे जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि आप कितने स्टेप काउंट करना चाहते हैं एक दिन में। इसके अलावा आप अपनी स्लीप टाइमिंग भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे अपने स्लीप टाइमिंग का टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिवाइस मैनेजमेंट में आपको जाके काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कंटिन्यू हार्ट रेट मॉनिटर और उसके बाद लिफ्ट द ब्राइट रिस्ट। अगर जब आप अपना इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगी वॉच, जिससे कि आप इसको इजीली टाइम देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है नीचे कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन, कॉल अलर्ट्स मिलेंगे आपको, SMS अलर्ट्स मिलेंगे। और आप यहाँ नीचे देखिए मोर रिमाइंडर में, अगर आप मोर रिमाइंडर में जाएंगे तो आपको ये सारे फीचर्स जो है देखने को मिलेंगे, जिसकी आप देख सकते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और नीचे की तरफ भी आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम इसके नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं, अलार्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, जब भी आप चाहें। इसके अलावा अगर हम बात करें और, तो इसमें आपको टाइम फॉर्मेट मिल जाता है, यूनिट मिल जाता है, आप कौन से यूनिट में इसको रखना चाहते हैं, और नीचे रीसेट और फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलता है। और बैक अगर हम आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने फ़ोन कैमरा को भी इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं और पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है एक फाइंड डिवाइस का ऑप्शन। अगर आपका वॉच या आपका फ़ोन कहीं एक दूसरे से दूर है और वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है अभी भी, तो आप अपने वॉच को फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं होम पेज पे आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस टाइमर को आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपकी GPS लोकेशन भी ट्रैक करता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये स्मार्ट वॉच का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस स्मार्ट वॉच को आप बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। इसको हमने बाय किया था gearbest.com से, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। इंडिया में शिप करने पे इस पे कोई भी कस्टम चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता और 10 से 14 दिनों में ये आपके दिए गए एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। अब फाइनल अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग है केवल 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपीज़ में इससे बेटर स्मार्ट वॉच आपको कहीं नहीं मिल सकती। लुक्स में, फीचर्स में, हर चीज़ में परफेक्ट है। 1500 रुपये में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्ट वॉच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बजट फ्रेंडली गैजेट के साथ।